ऑन रिकॉर्ड 29,000 चल रही है। ओनरशिप की बात करते हैं, फर्स्ट ओनर है। मॉडल की बात करते हैं तो 2022 मॉडल की वेक्साई मिल जाती है, 2017 लास्ट की गाड़ी मिल जाती है, डीजल वीडीआई। हाँ, वीडीआई डीजल। वीडीआई वेरिएंट के अगर हम लोग माइलेज की बात करते हैं तो 20 प्लस आप लोग को ये माइलेज देगी। 2013 मॉडल के आप लोग को एलेक्सा मिल जाती है और पेट्रोल प्लस सीएनजी। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग को पेट्रोल प्लस सीएनजी मिल जाएगी। रनिंग क्या है इसकी? रनिंग है 70,000 किलोमीटर। ओनरशिप फर्स्ट? फर्स्ट ओनरशिप। 2019 मॉडल के आप लोग को ये गाड़ी मिल जाती है, बाकी ये वीएक्सआई आप लोग को मिल जाएगी। रनिंग क्या है इसकी? रनिंग वही 40,000 के लगभग। ठीक है, 40,000 चली हुई है, ओनरशिप फर्स्ट आ जाती है। इनोवा क्रिस्टा मिल जाती है, लखनऊ नंबर की गाड़ी मिल जाएगी। 2021 मॉडल की गाड़ी आप लोग को मिल जाती है, 1362 नंबर आ जाता है। अगर इंटीरियर में आते हैं तो 4x4 विंडो आप लोग को मिल रहा है, बाकी स्टीयरिंग पे देख रहे हैं कंट्रोल्स मिल जा रहा है, म्यूजिक सिस्टम कम्प्लीमेंटेड मिल जाएगा। सीट की कंडीशन देख लीजिए आप लोग, ये 8-सीटर गाड़ी है क्योंकि इनोवा में 7-सीटर भी आती है और ये 8-सीटर भी आती है, तो ये 8-सीटर गाड़ी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं इट्स माय लुक्स। आपका इट्स माय लुक्स में फिर से बहुत बहुत स्वागत है गाइस। मैं आप लोग की डिमांड पे दोबारा से आप लोग को प्रियोन कार मार्केट लेके आ गया हूँ और आज भी ऐसी मार्केट लेके आ गया हूँ जहाँ पे आप लोग को सारी गाड़ी मिल जाती है। अगर आप लोग लो बजट की गाड़ी चाहते हो तो यहाँ पे लो बजट की भी गाड़ी अवेलेबल है। बाकी मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि नई सेफ्टी स्विफ्ट ली आई है, तो आप लोग देख रहे हैं न्यू सेफ्टी स्विफ्ट भी अवेलेबल है जो कि आप लोग को 2022 मॉडल की मिल जाती है। बाकी ये सीएनजी वाली वैगनार मिल जाएगी, न्यू सेफ्टी भी वैगनार आप लोग को यहाँ पे मिल जाती है। अगर डीजल में आप लोग को स्विफ्ट चाहिए तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी इसी तरह के और भी यहाँ पे कलेक्शन मिल जाते हैं। अगर आप लोग को बड़ी गाड़ियाँ चाहिए जैसे इनोवा क्रिस्टा में, तो आप लोग को 21 मॉडल की भी इनोवा क्रिस्टा यहाँ पे मिल जाती है। तो हम लोग जिस जगह पे, वहाँ पे शोरूम का नाम है सतपाल मोटर्स, जो कि आप लोग को भूतनाथ मेट्रो स्टेशन के पास पड़ जाता है, जो कि फैजाबाद रोड पर पड़ जाएगा, जो कि लखनऊ में है। अगर आप लोग को आना है, डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है, आप लोग कॉल करके पूछ लीजिएगा। बाकी आप लोग को अगर फाइनेंस के बारे में या किसी चीज़ की डिटेल चाहिए तो भी आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी फाइनेंस यहाँ पे हो जाता है, फाइनेंस के लिए आप लोग यहाँ पे 20% देकर भी गाड़ी ले जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैम आ चुके हैं। मैम आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हेलो कर दीजिए। हेलो, आपका नाम मैम? रश्मि सिंह। ठीक है, और शोरूम का नाम सतपाल मोटर्स? हाँ जी, सतपाल मोटर्स। ठीक है मैम, ये कहाँ पर पड़ जाता है शोरूम? ये हमारा पड़ेगा नियर भूतनाथ मेट्रो, नीलगिरी पेट्रोल पंप, कैलाश क्रॉस। ठीक है मैम। मैम अगर यहाँ आना हो तो कहाँ पे उतरे की आसानी से आ जाए, किसी को आने में कोई प्रॉब्लम ना हो? अगर आप पॉलिटेक्निक से आ रहे हैं तो आप लेखराज मेट्रो क्रॉस करेंगे, वैसे ही आपको पड़ जाएगा लेखराज मेट्रो और भूतनाथ मेट्रो के जस्ट बीच में। ठीक है मैम। हाँ। मतलब कैलाश कुंज काफी फेमस भी है? काफी फेमस भी है, काफी फेमस लोकेशन है ये। ठीक है, भूतनाथ मेट्रो तो काफी फेमस है, तो आप उसी के जस्ट बगल में हैं। ठीक है, और मैप में भी सर्च हो जाता है कैलाश कुंज। ठीक है मैम। बाकी अगर कलेक्शन की बात करते तो आपके पास कलेक्शन कौन कौन सा अवेलेबल है? कलेक्शन हमारे पास अर्टिका भी मिल जाएगी, इनोवा क्रिस्टा भी मिल जाएगी, स्विफ्ट भी मिल जाएगी लेटेस्ट मॉडल में, डस्टर भी मिल जाएगी। ठीक है, एवरी सेगमेंट में एसयूवी, हैचबैक, एवरी सेगमेंट में गाड़ी हमारे पास अवेलेबल। ठीक है, मतलब अगर यहाँ के कलेक्शन की बात करते तो आप लोग को यहाँ पे सारे कलेक्शन मिल जाता है। जैसे स्विफ्ट की बहुत डिमांड करते हैं न्यू शेप की, तो न्यू शेप की स्विफ्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी अर्टिका की डिमांड रहती है। बाकी मैम पेट्रोल, सीएनजी, डीजल तीनों गाड़ी अवेलेबल है। कोई भी गाड़ी की डिमांड करेगी सारी गाड़ियाँ आप लोग के लिए अवेलेबल करा दी जाएगी। बाकी आप लोग को लोकेशन भी बता चुके हैं। बाकी मैम फाइनेंस की बात करते तो गाड़ियाँ फाइनेंस हो जाएंगी? गाड़ी यहाँ फाइनेंस हो जाएंगी। ठीक है, गाड़ी 2013 मॉडल से ही फाइनेंस होती है, तो फाइनेंस हो जाएंगी। उसमें सारे प्रोसेस, जो पेपर्स के प्रोसेस, 2 साल का ITR हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, आधार, पैन, बस यही प्रोसेस होता है। ठीक है मैम। और 20% मिनिमम डाउन पेमेंट होता है बस। ठीक है, मतलब 20% लेकर भी आप लोग यहाँ से गाड़ी ले जा सकते हैं। बाकी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली गाड़ी आपको दिखाते हैं। ओके गाइस, तो हमारी आज की सबसे पहली गाड़ी आप लोग को वैगनार मिल जाती है। अगर मॉडल की बात करते तो 2013 मॉडल के आप लोग को एलेक्सा मिल जाती है और पेट्रोल प्लस सीएनजी। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग को पेट्रोल प्लस सीएनजी मिल जाएगी। अगर एलेक्सा बोल दिया तो कंपनी फिटेड सीएनजी आप लोग को मिल जाती है। बाकी मैम 2013 मॉडल, रनिंग क्या है इसकी? रनिंग है 70,000 किलोमीटर। ओनरशिप फर्स्ट? फर्स्ट ओनरशिप। ठीक है, फर्स्ट ओनर आप लोग को गाड़ी मिल जाएगी। बाकी गाड़ी की अगर कंडीशन की बात करते हैं तो ओवरऑल कंडीशन आप लोग देख रहे हैं नॉन स्क्रैच मिल जाएगी। फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट से देख लीजिए आप लोग। बाकी लखनऊ नंबर की गाड़ी मिल जाएगी, 2013 मॉडल है। साइड की बात करते हैं तो साइड से भी आप लोग देख रहे हैं नॉन स्क्रैच गाड़ी है। टायर की बात कर लेते हो 70-80% तक आप लोग को टायर मिल जाएंगे। बाकी इंटीरियर में आते हैं तो इंटीरियर में आप लोग को सोनी का म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। बाकी सीट लेदर की आप लोग को मिल जाएगी, ब्लैक कलर की, जो भी कहीं से कटी फटी नहीं है। बाकी बैक साइड से देख सकते हैं प्रोफाइल। बाकी एलेक्साई में आप लोग को 2x4 विंडो मिलता है, बाकी वीएक्सआई रहती है तो 4x4 विंडो आप लोग को मिल जाते हैं। बाकी मैम इसकी डिमांड क्या है? इसकी डिमांड है 2,55,000। 2,55,000 कम हो जाएगा मैम इसमें? हाँ जी बिल्कुल, नेगोशिएट हो जाएगा। ठीक है, आप आएंगे तो थोड़ा बहुत जो भी पॉसिबल होगा नेगोशिएट हो जाएगा। ठीक है मैम, इसमें भी कम कर लिया जाएगा। बाकी नेक्स्ट गाड़ी हमारी आप लोग को न्यू शेप की वैगनार मिल जाती है। ओल्ड शेप, न्यू शेप दोनों अवेलेबल है। बाकी अगर मॉडल की बात करते हैं 2019 मॉडल की आप लोग को गाड़ी मिल जाती है, वीएक्सआई वेरियंट है मैम। ठीक है, रनिंग क्या है इसकी? रनिंग वही 40,000 के लगभग। ठीक है, 40,000 चली हुई है, ओनरशिप फर्स्ट आ जाती है।
बाकी अगर कंडीशन पे आते हैं तो फ्रंट से आप लोग इसकी कंडीशन देख लीजिए, बम्पर भी कोई भी स्केचेस आप लोग को नहीं मिलेगा, साइड प्रोफाइल देख सकते हैं। टायर की बात करते हैं तो इसमें आप लोग को चारों टायर नए मिल जाएंगे, बाकी इंटीरियर से देख लीजिए। बाकी अगर इंटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर में आप लोग को डुअल टोन में इंटीरियर मिल जाता है बैच और ब्लैक कलर का, बाकी डिस्प्ले में आप लोग को आफ्टर मार्केट मिल जाएगा। बाकी सीट की कंडीशन देख रहे हैं और बैक साइड से भी सीट की कंडीशन देख सकते हैं आप लोग। वेक्साई वेरियंट है तो इसमें आप लोग को चार पार विंडो मिल जाता है, बाकी बैक साइड से प्रोफाइल देख सकते हैं, 9544 इसका नंबर आ जाएगा। बाकी मैम इसकी डिमांड क्या है? इसकी डिमांड है 4,35,000। 4,35,000, ठीक है। 4,35,000 में भी आप लोग आते हैं कम हो जाएगा, इसमें भी आप लोग का सम्मान कर लिया जाएगा। बाकी नेक्स्ट गाड़ी हमारी आप लोग को रेनो की डस्टर मिल जाती है, जो कि लखनऊ नंबर की गाड़ी मिल जाएगी 2018 मॉडल में। हाँ जी, ये 2018 मॉडल में टॉप वेरिएंट, ठीक है। मॉडल की बात करते हैं तो टॉप मॉडल मिल रहा है आप लोग को, टॉप मॉडल इसमें RX-Z आता है, तो RX-Z आप लोग को वेरिएंट मिल जाता है। बाकी मैम रनिंग क्या है इसकी? रनिंग होगी अप्रॉक्स 65,000, ठीक है। 65,000 के लगभग चली हुई है, ऑनर सिर्फ फर्स्ट आ जाती है। बाकी आप लोग को ब्राउन कलर की गाड़ी मिल जाएगी। मैम इसका बम्पर पेंट लग रहा है? हाँ, इसका बम्पर देखिए, बम्पर पेंट कराना पड़ता है, जो स्क्रैचेस होते हैं वो हमें क्लियर कराने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब गाड़ी का बम्पर आप लोग को पेंट मिलेगा और पूरी गाड़ी पे गटर पॉलिश हुई है, बम्पर पास से आप लोग देख सकते हैं। बाकी लाइट की कंडीशन, DRLs आप लोग को मिल जाएगा और बाकी बोनट देख सकते हैं। टायर की बात करते हैं तो टायर में आप लोग को 80-90% तक का माल मील जाएगा। बाकी आप लोग देख लीजिए, डायमंड कट अलॉय व्हील है, साइड मिरर में इंडिकेटर मिल जाएगा। अगर टॉप मॉडल आप लोग को बोल दिया है तो फीचर्स तो सारे होंगे, बाकी थोड़ा गाड़ियाँ अंदर है शोरूम के तो आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो जाएगी इंटीरियर में। बाकी एयरबैग इसमें आप लोग को मिल जाएगा, सीट कवर्स नए लगे मिल जाते हैं। बाकी टॉप मॉडल है तो मैंने आपको बताया फीचर सारे होंगे। बैक साइड से सीट की कंडीशन, बाकी मैम इसकी डिमांड क्या है? इसकी डिमांड है 6,25,000। 6,25,000 फर्स्ट ओनर गाड़ी है, बिल्कुल न्यू गाड़ी है, ठीक है। 6,25,000 इसकी डिमांड, ठीक है मैम। 6,25,000 में भी कम कर लिया जाएगा, आप लोग आएंगे प्राइस नेगोशिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट गाड़ी हमारी आप लोग को न्यू सेफ्टी स्विफ्ट मिल जाएगी, इसकी बहुत ही डिमांड रहती है और गाड़ी चली भी बहुत कम है, 29,000 खाली चली हुई है। मॉडल की बात करते तो 2000 ऑन रिकॉर्ड चली हुई है, ऑन रिकॉर्ड मैम, ऑन रिकॉर्ड, ना कोई इधर ना उधर, इसका रिकॉर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। ऑन रिकॉर्ड 29,000 चली है। ओनरशिप की बात करते हैं, फर्स्ट ओनर है। मॉडल की बात करते तो 2022 मॉडल की VXI मिल जाती है, क्योंकि 2022 मॉडल में डीजल बंद हो गई थी तो पेट्रोल में आप लोग को मिलेगी VXI। बाकी मैम रनिंग 29,000, ओनरशिप फर्स्ट, ठीक है। अगर फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट से कंडीशन देख लीजिए, गाड़ी का बम्पर तक पेंट नहीं है, सिर्फ कटर पॉलिश हुई है। बाकी लखनऊ नंबर की गाड़ी मिल जाती है 2551। बाकी साइड से भी आप लोग इसकी प्रोफाइल देख सकते हैं, वाइट कलर की गाड़ी है। टायर की बात करते हैं तो टायर देख लीजिए आप लोग को, अभी भी 70-80% तक का माल मिल जाएगा, क्योंकि 29,000 ही चली हुई है। बाकी अगर इंटीरियर में आते हैं तो चार पार विंडो मिल जाता है, साइड मिरर भी आप लोग यहीं से ही एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोग को स्टेयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाता है, सीट की कंडीशन देख लीजिए और यहाँ पे आप लोग कॉल भी उठाने का फंक्शन मिल जाता है। बाकी डिस्प्ले आप लोग को लगा मिल जाएगा, सीट की कंडीशन देख लीजिए, एयरबैग का आप लोग को इसमें मिल ही जाएगा और बैक साइड से प्रोफाइल देख लीजिए। तो मैम इसकी डिमांड क्या जाएगी? इसकी डिमांड है 6,65,000। 6,65,000, ठीक है। 6,65,000 में भी कम कर लिया जाएगा। नेक्स्ट गाड़ी हमारी आप लोग को इससे पुराना वाला शेप मिल जाएगा स्विफ्ट का, लखनऊ नंबर की गाड़ी मिल जाएगी आप लोग को 2017 लास्ट, ठीक है। 2017 लास्ट की गाड़ी मिल जाती है, डीजल VDI, हाँ VDI डीजल, ठीक है VDI है। और मैम रनिंग क्या है इसकी? रनिंग है 69,000। ओनरशिप फर्स्ट? हाँ फर्स्ट, ठीक है। ओनरशिप फर्स्ट है, 69,000 चली हुई है। बाकी क्रोम किट पूरी लगी आप लोग को मिल जाएगी। फ्रंट से आप लोग बम्पर की कंडीशन देख लीजिए और टायर की बात करते हैं तो टायर भी देख सकते हैं, 80-90% तक टायर मिल जाएंगे आप लोग को। बाकी इंटीरियर की बात करते हैं तो चारों पार विंडो आप लोग को मिल जाएगा। इंटीरियर की बात करते तो आप लोग को दो एयरबैग मिल जाएंगे, इधर भी और उस साइड भी मिल जाता है। सीट की कंडीशन आप लोग देख रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम इसमें आप लोग को कंपनी फिटेड मिल जाता है और बैक साइड से भी सीट की कंडीशन देख लीजिए और बैक साइड से प्रोफाइल। VDI वेरिएंट है, VDI वेरिएंट के अगर हम लोग माइलेज की बात करते हैं तो 20+ आप लोग को ये माइलेज देगी। बाकी मैम डिमांड क्या है इसकी? डिमांड आपको मिल जाएगी 4,65,000, ये VDI प्लस गाड़ी है, ठीक है मैम। VDI प्लस आप लोग को मिल जाएगी, बाकी 4,65,000 कम हो जाएगा। नेक्स्ट गाड़ी हमारी आप लोग को वरना मिल जाती है, 2012 मॉडल की मिल जाएगी। मैम पेट्रोल या डीजल? ये डीजल गाड़ी है, डीजल है। रनिंग क्या आ जाएगी इसकी? रनिंग है 70,000, ठीक है। 70,000 चली हुई है, ओनरशिप फर्स्ट ओनर है, ठीक है। बम्पर आप लोग पास से देख लीजिए, बम्पर पे भी स्क्रैचेस नहीं है। बाकी लाइट की कंडीशन, बोनट से भी आप लोग देख रहे हैं, मतलब पूरी गाड़ी की बात कर ले तो आप लोग देख रहे हैं कहीं भी स्क्रैचेस आप लोग को नहीं मिलेगा। बाकी टायर की बात करते हैं, टायर देख लीजिए आप लोग को इसमें 70-80% तक मिल जाएंगे। बाकी अलॉय व्हील आप लोग को लगा मिल जाएगा, वरना लग्जरियस गाड़ी है तो इसमें फीचर्स तो सारे आप लोग को मिल जाते हैं। चारों पावर विंडो मिल जाएगा और यहीं से, ठीक है मैम, साइड मिरर भी यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी स्टेयरिंग पे भी आप लोग देख रहे हैं, कंट्रोल्स आप लोग को सारे मिल जाएंगे, सीट कवर्स भी देख रहे हैं कहीं से फटे नहीं है, म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड आप लोग को मिल जाएगा। बैक साइड से सीट देख सकते हैं,
बाकी मैम इसकी डिमांड क्या जाएगी? इसकी डिमांड आ जाएगी 4,25,000। 4,25,000, ठीक है। 4,25,000 इसकी डिमांड है, इसमें भी कम कर लिया जाएगा, ठीक है। आप आएंगे, गाड़ी पसंद करेंगे तो जो पॉसिबल होगा हम नेगोशिएट कर देंगे, ठीक है मैम। सारे प्राइस नेगोशिएबल है, कम कर लिया जाएगा। नेक्स्ट गाड़ी आप लोग को दिखा देते हैं। नेक्स्ट गाड़ी हमारी आप लोग को शेवरलेट की अवियो मिल जाएगी, और मॉडल की बात करते तो आप लोग को 2012 मॉडल की मिल जाती है मैम। पेट्रोल डीजल? पेट्रोल, ठीक है। 2012 पेट्रोल। रनिंग क्या जाएगी इसकी? रनिंग आ जाएगी वही 75,000 to 80,000 के मिड में आ जाएगी। ओके मैम, 75,000 के लगभग चली हुई है। बाकी व्हाइट कलर की आप लोग को गाड़ी मिल जाएगी। बाकी इधर से भी आप लोग कंडीशन देख रहे हैं, गाड़ी पूरी आप लोग को नॉन स्केच मिलेगी। बम्पर से भी देख रहे हैं आप लोग, लखनऊ नंबर की गाड़ी है, 8555 नंबर काफ़ी अच्छा आ जाता है आप लोग को। बाकी साइड से प्रोफाइल देख लीजिए। इंटीरियर की बात करते हैं तो आप लोग को 4x4 विंडो मिल जाएगा, मतलब फीचर्स से ये भी पूरी लोडेड है। बाकी म्यूजिक सिस्टम की आप लोग कंडीशन देख सकते हैं, सोनी का मिल जाएगा। सीट की कंडीशन देख लीजिए, और बैक साइड से आप लोग इसकी प्रोफाइल देख लीजिए। बाकी ये पेट्रोल पे आप लोग को मिल जाती है। पेट्रोल पे अगर माइलेज की बात करेंगे तो 16 से 17 के लगभग इसका माइलेज आएगा। बाकी मैम डिमांड क्या है? 1,85,000, ठीक है। 1,85,000, 1,85,000 में इसमें भी कम कर लिया जाएगा। नेक्स्ट गाड़ी हमारी आप लोग को कानपुर नंबर की मिल जाती है, जो कि अर्टिगा मिल जाएगी। मॉडल की बात करते हैं तो मैम मॉडल क्या होगा? ये 2015, ठीक है। 2015 VDI है, ZDI है? ये ZDI है। ZDI आप लोग को मिल जाती है। बाकी ओनरशिप? फर्स्ट ओनर है, ठीक है। फर्स्ट ओनर आप लोग को गाड़ी मिल जाती है डीजल पे। बाकी आप लोग नंबर देख लीजिए, नंबर भी इसका अच्छा मिल जाएगा, 8129। बाकी बम्पर की कंडीशन देख सकते हैं, साइड से भी प्रोफाइल देख लीजिए। बाकी आप लोग को ZDI मिल रहा है तो आप लोग को कंफर्टेबल अवेलेबल मिल जाएगा। टायर की बात करते हो तो 4 टायर इसमें नए लगे मिल जाएंगे आप लोग को। एनिवर्सरी एडिशन आप लोग को मिल जाता है। अगर एयरबैग की बात करते तो इधर भी आप लोग को एयरबैग मिल रहा है, उधर भी। बाकी सही पे कंट्रोल्स भी है। सीट की कंडीशन देख लीजिए, और बैक साइड से सीट की कंडीशन। बाकी बैक साइड से भी आप लोग प्रोफाइल देख रहे हैं, ये ZDI वेरिएंट टॉप मॉडल मिल जा रहा है। फीचर सारे होंगे। 7-सीटर में सबसे लो मेंटेनेंस गाड़ी अर्टिगा होती है। हाँ जी। बाकी मैम डिमांड क्या जाएगी? इसकी डिमांड आ जाएगी 6,25,000, ठीक है। 6,25,000 कम हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है। आप आइए, बिल्कुल कम करेंगे हम, ठीक है। 6,25,000 में भी नेगोशिएट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट गाड़ी हमारी आप लोग को लखनऊ नंबर की मिल जाती है, 2016 मॉडल, ठीक है। 2016 मॉडल की आप लोग को गाड़ी मिल जाएगी, डेटसन। रनिंग कितनी होगी इसकी? रनिंग है 40,000। ओनरशिप? फर्स्ट ओनर है, ठीक है। 40,000 के लगभग चली हुई है, ओनर से फास्ट आ जाती है। बाकी ब्लू कलर पे आप लोग को गाड़ी मिल जाती है, काफ़ी यूनिक कलर आप लोग को मिल जाएगा। गाड़ी नॉन स्क्रेच ये भी मिलेगी। बम्पर आप लोग इसका पास से देख सकते हैं, लखनऊ नंबर की गाड़ी है, नंबर भी अच्छा है, 1919। बाकी साइड से आप लोग इसकी प्रोफाइल देख रहे हैं। टायर की बात करते तो इसमें 70-80% तक टायर आप लोग को मिल जाएंगे। बाकी इंटीरियर में इसका गियर नॉब काफ़ी अलग मिल जाएगा आप लोग को। सीट की कंडीशन देख रहे हैं, और यहाँ पर आप लोग को गियर नॉब मिल जाता है। बाकी बैक साइड से सीट की कंडीशन, बैक साइड में आप लोग को स्पॉइलर मिल जाएगा, और प्रोफाइल भी देख रहे हैं, मतलब गाड़ी लोडेड है पूरी। बाकी मैम डिमांड क्या जाएगी? इसकी डिमांड आ जाएगी 2,55,000। 2,55,000, ठीक है। 2,55,000 में भी कम कर ले जाएगा। सारे प्राइस नेगोशिएबल है, सारी गाड़ी के प्राइसेस नेगोशिएबल है। आप आइए, गाड़ी देखिए, जितना पॉसिबल होगा उतना हम आपको नेगोशिएट कर देंगे, ठीक है मैम। नेक्स्ट गाड़ी हमारी आप लोग देख लीजिए, आप लोग को इनोवा क्रिस्टा मिल जाती है, लखनऊ नंबर की गाड़ी मिल जाएगी। 2021 मॉडल की गाड़ी आप लोग को मिल जाती है, 1362 नंबर आ जाता है। बाकी मैं वेरिएंट की बात करते हैं तो जी वेरिएंट आप लोग को मिल रहा है। रनिंग कितनी होगी इसकी? रनिंग होगी 40,000, बस ओनली 40,000 चली, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे 40,000 चली मिल जाती है। बम्पर आप लोग पास से देख रहे हैं, जी वेरिएंट है, मतलब इनोवा का जी वेरिएंट है। तो आप लोग जान रहे हैं फीचर्स तो सारे होंगे। सीट की बाकी लाइट की कंडीशन देख सकते हैं, बोनट देख लीजिए, और टायर की कंडीशन देख लीजिए। 40,000 चली हुई है तो टायर तो आप लोग को कंपनी के मिल जाएंगे, 60% तक आप लोग को टायर मिल जाता है। बाकी डायमंड कट अवेलेबल इसमें मिल जाएगा। बाकी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लाइट भी मिल जा रही है। अगर इंटीरियर में आते हैं तो 4x4 विंडो आप लोग को मिल रहा है। बाकी स्टेयरिंग पे देख रहे हैं कंट्रोल्स मिल जा रहा है, म्यूजिक सिस्टम कंप्लीमेंटेड मिल जाएगा। सीट की कंडीशन देख लीजिए आप लोग। बाकी एयरबैग तो आप लोग को मिलेगा, इनोवा जैसी गाड़ी है तो एयरबैग तो मिल ही जाएगा। सीट की भी कंडीशन देख रहे हैं, वेल मेंटेन मिल जाएगी। बाकी बैक साइड से आप लोग इसकी प्रोफाइल देख लीजिए, 2.4Z, एक आता है 2.8, तो ये 2.4 का आप लोग को जी वेरिएंट मिल जाता है। बाकी मैम डिमांड क्या है इसकी? डिमांड है 16,85,000, और ये 8-सीटर गाड़ी है, क्योंकि इनोवा में 7-सीटर भी आती है और ये 8-सीटर भी आती है, तो ये 8-सीटर गाड़ी है, ठीक है। 2021 मॉडल है, जो कि आप सब कुछ बता ही चुके हैं डिटेल्स, तो आप 16,85,000 डिमांड है, ठीक है। 16,85,000 इसकी डिमांड है। आप लोग आएंगे इसमें भी नेगोशिएट कर लिया जाएगा। बाकी नेक्स्ट गाड़ी हमारी आप लोग को डिजायर मिल जाती है, जो कि स्विफ्ट डिजायर मिल जाएगी, क्योंकि पहले स्विफ्ट डिजायर आती थी। VDI में गाड़ी आप लोग को मिल जाती है, सिल्वर कलर की गाड़ी मिल जाएगी, लखनऊ नंबर की गाड़ी है। मॉडल की बात करते तो 2014 मॉडल की आप लोग को VDI वेरिएंट मिल रहा है, सिल्वर कलर की गाड़ी है। पूरी ही प्रोफाइल आप लोग देख रहे हैं, नॉन स्क्रेच मिल रही है मैम। 2014 VDI, ठीक है। रनिंग लगभग 65,000,
ठीक है, 65,000 के लगभग चली हुई है। ऑनरशिप फर्स्ट ओनर है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम गाड़ी आप लोग को फर्स्ट ओनर मिल जाती है। बाकी साइड से भी आप लोग प्रोफाइल देख रहे हैं, बाकी लाइट की कंडीशन देख लीजिए, बम्पर पास से देख सकते हैं। टायर की बात करते हैं तो टायर आप लोग को इसमें 80-90% तक मिल जा रहे हैं। साइड मिरर पर इंडिकेटर मिल जा रहा है। बाकी अगर इंटीरियर में आते हैं तो ये VDI वेरिएंट मिल रहा है, इसमें आप लोग को एयरबैग नहीं मिलेगा। बाकी सीट की कंडीशन देख सकते हैं, बाकी मैनुअल ट्रांसमिशन की आप लोग को गाड़ी मिल जाती है। और बैक साइड से सीट की कंडीशन देख लीजिए, बैक साइड से भी आप लोग इसकी प्रोफाइल देख रहे हैं। स्विफ्ट की VDI मिल जा रही है आप लोग को। बाकी मैम डिमांड, इसकी डिमांड है 4,35,000। 4,35,000, ठीक है, 4,35,000 में भी कम कर लिया जाएगा। तो हमारी वीडियो का ये लास्ट गाड़ी है, तो वीडियो को एंड करने से पहले आप लोग को फाइनेंस के बारे में बता देते हैं। मैम फाइनेंस अवेलेबल है यहाँ पे? फाइनेंस अवेलेबल है, ठीक है। 2013 मॉडल से फाइनेंस हो जाता है, ठीक है। और बाकी आपको फाइनेंस के लिए आप आएंगे तो कुछ पेपर्स लगते हैं, जिसमें 2 साल का ATR हो गया, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट हो गया, आधार, पैन और आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटो हो गए। ITR नहीं अवेलेबल है तो आपके कुछ पेपर्स होते हैं जैसे खसरा खतौनी हो गया, ये सब हो गया, ये लग जाता है। लेकिन फाइनेंस हम आपको विदिन 4 डेज करवा देते हैं, ठीक है मैम। मतलब कि 4 दिन के अंदर आप लोग का फाइनेंस हो जाएगा, कोशिश तो पूरी यही रहती है कि फाइनेंस हो जाए। हाँ, मैक्सिमम 4 डेज, ठीक है, वरना उससे कम भी लग सकता है, ठीक है। ऑल इंडिया अवेलेबल है या ऑल UP मैम? ऑल यूपी, ठीक है। ऑल UP यहाँ पे फाइनेंस अवेलेबल है, मतलब UP में कहीं के भी आप लोग, बस्ती, गोंडा या इधर सीतापुर साइड के भी, हरदोई साइड के भी, तब भी फाइनेंस आप लोग के लिए हो जाएगा। बाकी मैम डाउन पेमेंट क्या देना पड़ता है आपको? मिनिमम गाड़ी का 20% डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। 20% डाउन पेमेंट करके भी आप लोग यहाँ से गाड़ी ले जा सकते हैं। बाकी सारे प्राइस नेगोशिएबल होंगे, कम इसमें भी कर लिया जाएगा। बाकी मैम ट्रांसफ़र होने में कितना दिन लग जाता है? विदिन 4-5 डेज ट्रांसफ़र हो जाता है, 4 से 5 दिन में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। 4 से 5 दिन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाकी मैम ट्रांसफ़र होने के चार्जेस क्या जाते हैं? देखिए, अगर आपने फाइनेंस करवाया तो उसके चार्जेस अलग होते हैं, और अगर आप ऑन कैश गाड़ी ले रहे हैं तो उसके चार्जेस अलग हैं। अगर आप ऑन कैश गाड़ी ले रहे हैं तो उसके चार्जेस 4,500 हैं, और अगर आप फाइनेंस करवा रहे हैं तो उसके 7,500। बाकी आप लोग आते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और आइए और गाड़ी देखिए और परचेज करिए। बाकी आपको गाड़ी बिल्कुल सॉलिड मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, एक चीज़ और मैं इन्फॉर्मेशन ऐड करना भूल गई कि हमारे यहाँ इस चीज़ की गारंटी होगी कि गाड़ियाँ हमारी नॉन एक्सीडेंटल होंगी। हम गाड़ियाँ एक्सीडेंटल अपने यहाँ लाते ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सारी हमारी लाई हुई गाड़ियाँ हैं, तो हम लोग प्रॉपर चेक करके नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी ही लाते हैं, ठीक है। मतलब गाड़ी देने से पहले हम लोग खुद चेक करते हैं, हाँ जी, ठीक है। तो सारी डिटेल आप चुके, तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू मैम। ओके गाइस, तो सारे कलेक्शन आपको दिखा चुके हैं। अगर आप लोग को मुझसे कोई क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को उसको बातचीत करनी जैसे गाड़ी के बारे में, फाइनेंस के बारे में, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी कमेंट करिएगा, मैं सभी कमेंट का पढ़ता भी हूँ, सभी कमेंट का जवाब भी जरूर देता हूँ। बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे अच्छे अच्छे क्लिक लाते रहते हैं, चाहे पे ऑन कार्स का हो, चाहे पे ऑन बाइक्स का हो, चाहे पे ऑन कमर्शियल व्हीकल का हो। तो वीडियो गाइड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।